आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी इस बिल की चर्चा में भाग लेते हुए हमारे मित्र और सांसद साथी माननीय जयंत सिन्हा जी ने और मेहताब साहब ने कहा, एंटार्क्टिका का एक विशेष महत्व भी है और एक बड़ा ही रोचक भौगोलिक इसकी परिस्थिति है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में भी 0 से 10 डिग्री कम का तापमान और सर्दियों में 90 से भी अधिक 0 के नीचे का। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने पहले ही दे दी है, बहुत अधिक इस पर विवाद नहीं है। मात्र मेरा इतना कहना था कि एक एंटार्क्टिका आज बिल लाने का उद्देश्य क्या है, मैं वही कहकर के बात समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत अधिक विषय उठे नहीं हैं। 1959 में ये ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये 59 में हुई और भारत इसका हस्ताक्षर 1983 में करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एंटार्क्टिका की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में ना लाया जाए, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है टू एंश्योर द डीमिलिटराइजेशन, ताकि वहां पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। दूसरा, कोई भी देश किसी प्रकार के माइनिंग की एक्टिविटी या कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करे, क्योंकि ये मोर और लेस नो मैंस लैंड है, उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, संभावना ना हो, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करे, ऐसा ना हो। कुल मिलाकर के ये सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां पे संस्थान हैं, जैसे बात था आप साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, मैत्री और भारती जैसे भारत के हैं, वो अपने आप को शोध तक सीमित रखें, या फिर और कुछ एक प्रयोग हैं जो जलवायु संबंधित या भौगोलिक संबंधित उन तक रखें। और इसलिए चूंकि भारत के भी वहां दो संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए ये तय किया गया इसी ट्रीटी के अंतर्गत कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए, एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो। अब चूंकि हमारे भी दो संस्थान हैं तो जाहिर है हिंदुस्तान का, भारत का ही कानून वहां पर एप्लीकेबल होगा। यानी डीमिलिटराइजेशन तो है ही है, वो हमने सुनिश्चित की, उसको किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये भी सुनिश्चित हुआ। परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि दुनिया भर में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कानून किसी ना किसी स्वरूप में हर देश में हर क्षेत्र में लागू है। लेकिन ये चूंकि ऐसा क्षेत्र है जहां किसी देश की प्रभुसत्ता इस पर नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है। और ये जब कानून विधान अपना ये पास हो जाता है बिल, तो उसके उपरांत हमारे यहाँ एक समिति गठित की जाएगी जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान के सचिव रहेंगे, उसमें अन्य मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिशरीज का भी कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, डिफेंस का तो ही है, शिपिंग का है, पर्यावरण का है, स्पेस का है, टूरिज्म का है। और इसलिए इस बिल का बहुत ज़्यादा व्यापक कोई उस तरह का इम्प्लीकेशन नहीं है, मात्र इतनी कि हाँ, इसके बिल के पास होने के बाद भारत का कानून विल बी एप्लीकेबल इन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडियन पर्सनल लिविंग इन दैट कॉन्टिनेंट।